प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में लगातार हावी होते कोरोना के केस के बाद सरकार ने जहां एक ओर वीकेंड पर बाजारों को 2 दिन बंद रखने के आदेश दिए, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारी वर्ग सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर चुका है। तस्वीरें गुड़गांव से सामने आई है, जहां सेक्टर 14 में मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों ने मिलकर न केवल इस फैसले का कड़ा विरोध जताया बल्कि पुतला भी फूका। बट ये गलत लॉकडाउन किया, जो 2 दिन का इन्होंने किया वो गलत किया है। ये सब हमारे व्यापारियों से सलाह मशवरा करे, सबसे बातें करे, एक दिन उन्होंने ट्वीट कर दिया कल की पूरा हरियाणा बंद रहेगा। अब देखा जाए तो एक तरफ वो शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, क्या वो एसेंशियल चीज़ में आता है? फर्स्ट। सेकंडली मैं कहता चाहूँ कि पूरे इंडिया में हमारे गुड़गांव का 92% रिकवरी रेट है, तो उनको देखना चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज किसी तो रेवाड़ी में बहुत ज़्यादा है, अम्बाला में बहुत, तो उनको बंद करें। वो गुड़गांव में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है, तो इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट है कि इसको दुकानों को महीने में कम से कम 25 दिन खुलवा जाए, और अगर उन्होंने बंद ही करना मंडे ट्यूजडे कोई भी चूज कर ले, सैटरडे संडे ना करें। मेन जो हमारा बिजनेस हो सैटरडे संडे में, इसी के अगेंस्ट हमारा प्रोटेस्ट है। विरोध कर रहे सभी व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते पहले ही 4 महीने तक उनके प्रतिष्ठान बंद रखने की वजह से काफी नुकसान हुआ, और अब ऐसे में वीकेंड पर जारी इस फरमान से तो उनकी कमर ही टूट जाएगी। कि हम इस सरकार से बहुत परेशान हो चुके हैं, लॉकडाउन में 3 महीने हमने घर बैठ के किराया दिया है, सैलरीज दी हैं लड़कों की, अभी इन्होंने एकदम से ये डिसीजन ले लिया कल शाम को, जैसे कि नोटबंदी हुई थी वैसे इन्होंने कह दिया जी 2 दिन का लॉकडाउन हो जाएगा। हमें अपने परिवार चलाने हैं, अपनी दुकानें चलानी हैं, मकान मालिक से किराए के लिए बोले तो किराए में कोई डिस्काउंट नहीं है, किराए उसी तरीके से दिए जा रहे हैं जैसे पहले दिए जा रहे थे, पहले ही अर्थव्यवस्था ख़राब है। और हम जैसे मैं आपको बताऊँ अपना पेन, हम मोबाइल फ़ोन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन बिजनेस पहले ही बहुत ही बुरी दौर से गुजर रहा है, और हर तरीके की जो कंपनियाज हैं वो सब ऑनलाइन को सपोर्ट कर रही है। अब आप एक बताइए कि सोमवार ये शनिवार और एतवार को हम घर बैठ जाएं, क्या ऑनलाइन बंद हो जाएगी शनिवार एतवार को? आप ये बताइए। और दूसरा, आज की डेट में बाज़ार में ये सिनेरियो आ गया है कि कंपनीज़ डायरेक्ट ऑनलाइन कोलोब्रेशन करके एक्सक्लूसिव मॉडल्स निकाल देती हैं, तो हमारे को बिज़नेस करने में पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कि ये FDI का रूल इन्होंने पहले ख़राब किया, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन को आने दिया, आज की डेट में फ्लिपकार्ट जो है वो वॉलमार्ट ने ख़रीदा हुआ है उसको, वो भी एक US का ब्रांड है, अमेज़ॉन ऑलमोस्ट US का ब्रांड है, और ये कहते हैं जी हम व्यवसायियों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम व्यवसायियों को जोड़ रहे हैं अमेज़ॉन वाले, लेकिन आज की डेट में इनसे बिजनेस करते हैं तो ये 9% कमीशन चार्ज करते हैं एक बिजनेसमैन से। इन सभी व्यापारियों ने शहर में खुले शराब की दुकानों पर सवालिया निशान लगाते हुए सरकार से ये सवाल पूछा कि क्या शराब की दुकानें एसेंशियल सर्विस में आती है जो उन्हें खुला रखने के आदेश जारी किए गए हैं? और क्या कोरोना बाकी 5 दिन नहीं आता, सिर्फ एक शनिवार और संडे को ही आता है, और गवर्नमेंट ने वीकेंड लेना है तो वीकेंड जरूरी नहीं है, सैटरडे और संडे ही होना चाहिए, उसको बदल के मंडे और ट्यूजडे कर देना चाहिए, क्योंकि जितने भी अगर एम्प्लाई हैं अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो कहाँ से फ्रेंचाइजी का दुकान पे आमदनी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा तो उनको एम्प्लाई को कहाँ से पैसा देंगे, और एम्प्लाई के पास पैसा नहीं मिलेगा, कोई बिहार से बैठा, कोई कलकत्ता से बैठा, कोई बंगाल से बैठा, कोई आसाम से बैठा हुआ यहाँ पर, तो अपनी अपनी सैलरी उनको नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से खाएंगे बेचारे। ये सरकार को सोचना चाहिए सारी चीज़ें, चीज़ को, और ठेके खुले हैं और पब्लिक देखो रोडों पर वैसे घूम रही है, और एक हिटलरशाही फरमान कर दिया कि सैटरडे और संडे को नहीं, वो भी रात को 8 बजे आर्डर आ गया कि नहीं खुलेगी कल से दुकानें। पहले इनको सारों को जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, जितने भी ऑनर हैं, जितने भी शॉप्स के ऑनर हैं, सारों को पहले अपने लेना चाहिए था विश्वास के अंदर, फिर उनसे सलाह करते कि हमने वीकेंड कौन सा करना है। ये जो सरकार का हिटलरशाही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जो फैसला, बहुत ही गलत और गंदा फैसला ये, इस चीज़ को हम कहते हैं कि सरकार अपना फैसला वापस ले, और वीकेंड रखना तो मंडे और ट्यूजडे को रखा जाए, ये हमारी सरकार से दरखास्त है मेहरबानी करके। आपको बता दें कि सरकार ने वीकेंड पर बाजार बंद रखने के आदेश इसलिए जारी किए क्योंकि छुट्टी का दिन होने के चलते लोग घरों से बाहर निकलते हैं और बाजारों में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते केस के बाद ही सरकार ने ये फैसला किया ताकि कोरोना के बढ़ते केस की रोकथाम की जाए। प्रथम तहलका के लिए गुड़गांव से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें, 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ।
वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।